अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवइयों के एक मीठा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये 250 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। तो आज हम ईद स्पेशल डालेंगे, तो आप ज़रूर ट्राई करिए हमारी रेसिपी देख के। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और बनाने चलते हैं मीठा। इसका हमें बिल्कुल महीन चूरा करना है एकदम, तो पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। देखिए सिवैया हमने अच्छे से महीन तोड़ लिए बिल्कुल, तो हमने इससे घोटे से जो है ऐसे करके इसे तोड़ लिया है, तो बहुत ही महीन चाहिए हमें। कढ़ाई ले ली हमने, तो हम इसमें डाल लेंगे इसे सिवैयों को। इसे अच्छे से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, जो इसका कच्चापन है थोड़ा सा वो उसको ख़त्म करना है। देखिए हमने भून लिया, जैसे रवा भूनते हैं ऐसे ही। तो ये अच्छी से खुशबू आने लगी है इसमें से। तो इसमें मक्खन डाल देंगे। देखिए दो टेबल स्पून के करीब बटर डाल दिया। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मीडियम आंच पे। देखिए अच्छे से हमने बटर में जो है मिक्स कर लिया। और अगर चाहे आपकी सिवैयाँ मोटी हों, तो आप मिक्सी जार में डाल के हल्का हल्का दरदरा सा कर सकते हैं, कि ज़्यादा मोटी से जो है ना बर्फ़ी बनेगी ना लड्डू बनेंगे, तो उनको थोड़ा सा दरदरा पीस लें आप। तो ये देखिए अच्छे से हमने बटर में मिक्स कर लिया। तो हम इसमें कंडक्स मिल्क लिया है, तो ये डाल देंगे। और चूल्हे को हमने हल्का रखा हुआ है। देखिए तो हमने ये एक छोटे साइज का डिब्बा लिया, तो इसका हम आधा डाल देंगे इसमें। जितना आपको मीठा चाहिए आप उसके हिसाब से डाल लें, और आंच को थोड़ा हल्का रखें, तेज ना रखें। इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। देखिए 5 मिनट हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे इसे कस लेते हैं, ताकि हमारी सिवैयाँ जो हैं वो गल जाएं अच्छे से, नरम हो जाएं। 5 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए अच्छे से हमने कंडक्स मिल्क अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। देखिए अब हम इसको फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। हमने अच्छे से मिला लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सख्त हो गया हलवे की तरह। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। और इधर हमने लिया है ये अखरोट, तो अखरोट की गिरी थी, तो हमने उसे हल्का हल्का कुचल लिया, दरदरा सा हमने कूट लिया है। ये देखिए ले लिया, तो ये हम इसमें भरेंगे अंदर। तो आप वीडियो पूरे एंड तक ज़रूर देखें। हल्का सा ठंडा हो गया, तो हमने इधर एक पन्नी ले ली है प्लास्टिक की, उसके ऊपर बटर लगा लिया। तो हम सारा जो हलवा है इस पर डाल लेंगे, तो सब इस पर डाल लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने अच्छे से इसको फैला लिया है पन्नी पे, तो शीट की तरह बिल्कुल देख सकते हैं। तो हमने जो ये अखरोट लिया था इसको हम इस पे डालेंगे। आप चाहे तो पिस्ता या सारे मिक्स फ्रूट मिक्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसे हम ऐसे पन्नी की मदद से ऐसे रोल करते जाएंगे। देखिए ऐसे ही रोल कर लेंगे हम पूरा। देखिए हमने अच्छे से सारे रोल कर लिए, इतने अच्छे से हमारे देखिए रोल तैयार हो गया। तो हम इसके पीस कट करेंगे। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। देखिए
ऐसे ही आप सारे पीस कट कर सकते हैं। देखिए हमारी सेवइयों की बर्फी बनके तैयार हो गई है, तो आप उसको अलग अलग कैसा भी शेप दे सकते हैं, या आप बाउल में जमा भी सकते हैं बर्फी की तरह, तो वो आपकी मर्जी है। तो हमने ऐसे रोल करके ऐसे पीस कट करें कि तो खूबसूरत लगे और अच्छे लगे और नया सा कुछ मिले ईद स्पेशल में, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो खाली सेवइयाँ या शीर बना बना के अगर चाप हो गए बोल, तो हमारी तरह से आप ऐसी रेसिपी बनाएं और खुश रहें, आप भी खुश रहें और आपके घर वाले भी खुश हों बर्फी खा के। अच्छा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको हर एक चीज़ पता चले और फिर आप बना के खाएं। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक आप सबको हम सब घर वालों की तरफ से।